से 2 दिन तेंदुए पिंजरे में बंद है। शुक्रवार सुबह शहर के चीना खान मोहल्ले में एक तेंदुआ पिंजरे में बंद किया गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, उन्होंने तेंदुए को अपने कब्जे में लेकर रेस्क्यू सेंटर ले गए। दूसरा मामला अल्मोड़ा तहसील के शील गांव से सामने आया है, जहां भैसिया छाना विकास खंड के शील गांव में एक और तेंदुए को पिंजरे में कैद करने में सफलता मिली है। वन विभाग की टीम इस तेंदुए को भी रेस्क्यू सेंटर ले गई है। आपको बता दें, दोनों तेंदुए नर हैं और इन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सुरक्षित जंगल में छोड़ने की योजना है। वन विभाग की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि तेंदुओं की बढ़ती गतिविधियों के चलते गांव में डर का माहौल बन गया था। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। एडम्स का जो गेट है उससे नीचे ये मैनेजर का आवास है, उसके नीचे लगाया। यहाँ अक्सर मिशन कंपाउंड में अक्सर दो बाघ आते रहते हैं। आज ये एक बार पिंजरे में आ गया है और फिर पिंजरा लगाया जाएगा और दूसरे बाघ को भी पकड़ा जाएगा। ये हमें बड़ी राहत मिली है। यहाँ के मोहल्लेवासी बड़े डरे हुए हो गए थे। लोग रात को बाजार नहीं जा पाते थे, किसी काम से नहीं जा पाते थे। इतनी दहशत थी कि आदमी घर के अंदर दुबका रहता था। ये वन विभाग का बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने पिंजरा लगाया और ये बाघ आज पकड़ा गया। अल्मोड़ा शहर में गुलदारों के आतंक के विषय में लोगों की बहुत शिकायतें मिल रही थी, तो अभी यहाँ पे उनकी शिकायत के आधार पर हमने यहाँ पे पिंजड़े लगाए हैं। इसमें से एक यहाँ पर एडम्स स्कूल के पास से पकड़ा गया है, जो नर है, उसकी उम्र करीब 8 से 10 साल के बीच में है। और दूसरा लेपर्ड जो है वो यहाँ पर बाड़ी छीना के पास एक शील गांव है, वहाँ से पकड़ा गया, वो भी नर है, उसकी उम्र करीब 5 से 6 साल के बीच में है।